तो सबसे पहले बात करें WPL की, तो गुजरात की लगातार चौथी मैच में हार का सामना करना पड़ा। रविवार को गुजरात को दिल्ली की टीम ने 25 रन से हराया। अब गुजरात को टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए हर मुकाबला जीतना होगा, उसके चार मैच अभी बाकी हैं। तो आज की मुकाबले की बात करें तो आज UP और RCB आपस में भिड़ेंगी, तो पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली की टीम नंबर 1 पर तो वहीं मुंबई की टीम नंबर 2 पर और यूपी की टीम नंबर 3 तो वहीं RCB की टीम नंबर 4 पर है। तो गुजरात की टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। तो बात करें रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे दिन की, तो मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर ने नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु के खिलाफ शानदार शतक या पारी खेली। यह उनका घरेलू क्रिकेट में पहला शतक है। दिन का खेल समाप्त होने पर मुंबई की टीम 9 विकेट गंवाकर 353 रन बना लिए हैं। तो वहीं बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल की, तो टीम इंडिया नंबर 1 पर है। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे सीरीज का पहला मैच हारने के बाद नंबर 2 पर आ गई है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 3 पर। बात करें इंडिया इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज की, तो आखिरी मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाना है। बात करें सीरीज की, तो टीम इंडिया 3-1 से विजय बढ़त बना चुकी है। तो अगली खबर न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL में SRH के बॉलिंग कोच बने। इससे पहले साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन SRH के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने निजी कारणों से IPL से अपना नाम वापस लिया। तो बात करें झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन सिंह, शनिवार को रांची में बाइक एक्सीडेंट में चोटिल हो गए हैं। उनके दाहिने घुटनों में हल्की सी चोट लगी है। रॉबिन को IPL के इस सीजन में गुजरात ने 3.6 करोड़ में खरीदा। तो वहीं बात करें IPPL लीग की, तो फाइनल मुकाबले 3 मार्च को खेला गया। फाइनल मैच में UPI उत्तर प्रदेश ने मुंबई चैंपियंस को हराकर चैंपियन बनी।